नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मायावती को अब भतीजे आकाश से ही चमत्कार की उम्मीद, फिर जिम्मेदारी सौंपने के पीछे क्या है रणनीति? ढलती उम्र के साथ ही पार्टी के खिसकते जनाधार को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती को अब अपने युवा भतीजे आकाश आनंद से ही चमत्कार होने की बड़ी उम्मीदें हैं। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में दो दशक पुराने 2007 के नतीजे दोहराने के लिए मायावती ने आकाश पर बड़ा दाव लगाते हुए उसे एक बार फिर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद का दायित्व सौंप दिया है। आकाश अब दूसरे राज्य में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय भूमिका निभाते दिखेंगे। सोशल मीडिया के साथ ही फील्ड में भी आकाश के साथ पार्टी के छोटे बड़े नेता वंचित समाज को साधते दिखाई देंगे। दरअसल चार दशक पहले 14 अप्रैल 1984 को कांशी राम ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, वह इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। कांशी राम ने 15 दिसंबर 2001 को मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। 2007 में पहली बार राज्य में बनाई थी बहुमत की सरकार। वर्ष 2006 में कांशी राम के न रहने के बाद वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में जिस बसपा ने 30.43% वोट और 206 विधायकों के साथ पहली बार राज्य में बहुमत की सरकार बनाई थी, उसका इस समय न लोकसभा और न ही राज्यसभा में कोई सदस्य है। विधानसभा में सिर्फ एक सदस्य, जबकि विधान परिषद में भी कोई सदस्य नहीं है। पार्टी के तेजी से खिसकते चुनाधार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18वीं लोकसभा के हालिया चुनाव में पार्टी को सिर्फ 9.39% वोट हासिल हुए। पार्टी के लगातार खराब होते प्रदर्शन के कारण तमाम हैं, लेकिन एक बात साफ है कि खास तौर से वंचित समाज में भी अब बहन जी का पहला जैसा जादू नहीं रहा। इसका बड़ा कारण यह माना जाता है कि 68 वर्षीय मायावती अब इंटरनेट मीडिया पर ही ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। न पदाधिकारियों के बीच और न ही फील्ड में उनकी पहले जैसी सक्रियता रहती है, जबकि राजनीति में बदलते दौर में दूसरी पार्टियों के छोटे बड़े नेता लगातार फील्ड में दिखाई देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।